पहले तो धन्यवाद कि आप इतने अपडेटेड हैं कि हमारा ट्रेलर लॉन्च वाकई में बहुत अच्छा हुआ था और रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। एक तो वासुजी का जो हैवी वेट था उसके पीछे, प्रोजेक्ट के पीछे, वो आई थिंक ही कैन क्रिएट मैजिक आउट ऑफ थिन एयर। तो वासुजी एंड दीपशिखा हैड रियली वर्कड ऑन इट। और फिर अमरिंदर जी वहीं थे, प्रियंका भी आ गई थी, तो उसका स्केल बहुत ग्रैंड हो गया था और प्रेस का रिवर्ट भी बहुत अच्छा था। हमारे ट्रेलर को बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। दो रीज़न थे, एक कि वो मार्केट भी है बढ़िया, प्लस हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते थे और इंटरनेशनल। प्रियंका का पर्सनल ओपिनियन यही था कि हम अपने रीजनल प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिलवाएँ, इंडियन तो दें और प्लस अगर इंटरनेशनल दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये दिस वॉज पार्ट ऑफ दैट कि हम इसको एकदम से बैंक के साथ इंटरनेशनली एक्सपोज करें। इंडिया में फिर अभी हम लोग के प्लान्स चल रहे हैं, वो भी है। और बिसाइड्स अमरिंदर जी कनाडा में थे, प्रियंका न्यूयॉर्क से आ सकी और हम लोग भी पहुंच गए, तो बहुत अच्छे से हुआ वो। बिकॉज ऑफ सारे जैसे तारे मिल गए ना, उस टाइप का। हमारी पंजाबी फिल्म की प्रोड्यूसर आई थी, हम ढोल नगाड़े के साथ उनका वेलकम किए थे एयरपोर्ट पे और बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी है। अब कि 5 दिन की छुट्टी में आई तो अपने घर ही आई, इसका मैंने भगवान को भी शुक्र किया कि प्रियंका घर को मिस करी है, बॉम्बे मिस की है तो घर आई है, तो वेरी हैप्पी। पहले तो हम दिसंबर में ही आने वाले थे, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर देखा हमने कि मोदी जी के नए डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ सिचुएशन पब्लिक के लिए डिफ़िकल्ट था इस दौरान। तो और दूसरा फिर वैसे डेट भी बहुत लकी नहीं था जो लोहड़ी में हमें सामने मिला, तो लोहड़ी वैसे है भी बहुत ऑस्पिशियस डे। तो हम लोगों ने फटाफट 8 से बहुत पहले 2 तारीख को ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोहड़ी में ही आएंगे। ये तो इत्तेफाक था कि मोदी जी ने 8 तारीख को डिसाइड किया कि मसला चेंज हो जाए, लेकिन जो भी है अच्छे के लिए हुआ और हम लोग भी मूव करके अच्छे के लिए मूव किया। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के हाँ सुपरस्टार हैं, सबसे अच्छे हैं, बहुत ठहरे हुए परफॉर्मर है, गाना भी उनका इतना ही अच्छा है। तो जो हमारे फिल्म में गाना भी गाए हैं वो इज़ वेरी गुड। तो अमरिंदर जी के कंधे पे ही हम राइड कर रहे हैं, इज़ रियली गुड। और ऐसा स्टोरी भी उन्होंने शायद लाइफ में पहली बार किया हो। 500 तरह के हैं, गुरबानीज़ हैं, रोमांटिक है और ड्रामेटिक भी है, पेपी है यंगस्टर्स के लिए भी, और एक तो जो अपना थीम सॉन्ग है वो पूरी कहानी अपने गाने में ही कह दर्शा देती है कि रिपेंट करने का, अफसोस करने का, प्रायश्चित करने का जो हमारे हीरो को होता है वो गाने में दर्शाया गया। बहुत सुंदर गाना है वो भी। तो हर जॉनर का मतलब अक्रॉस द बोर्ड है और कोई ऐसा प्लेबैक सिंगिंग डांसिंग नहीं है, गाने हैं, गाना कहानी को ही आगे लेके जाती है। व्यूअर्स को तो मैं कहूँगी सरवण एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म है और आप लोहड़ी के शुभ अवसर पे ज़रूर थिएटर पे जाके उसको देखें, सराहें और मज़े लें उस फिल्म का।